Hello friends, how are you? I hope you are healthy and living. So welcome back to my channel. Myself Abhishek Kumar, I am your Biology mentor. So today I will discuss very important and interesting chapter of the 11th NCERT, that is the biomolecule. So in this particular video, we detail discuss about biomolecule. So I hope you all enjoy this video. So if you like my video, so please subscribe my channel and like share my video with friends. And if you want to join my social media handle, so I provide a link in description box and a WhatsApp channel on my channel. So please go through WhatsApp channel on my channel and click the social media icon and join with us. So I hope you really appreciate me. So watch the video and keep support. Let's discuss about polysaccharide. Why it's called polysaccharide and what is polysaccharide? Each and everything we discuss in this particular video. So I hope you all enjoy this video. So first we read what written in NCERT textbook. After that elaborate each and everything but simple and easy words. So let's begin without wasting any time. क्या पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड क्या होता है? पॉली का मतलब होता है, सभी जानते हैं, पॉली मतलब एक चीज़ से मिलके ना बनी हो, वो बहुत सारी चीज़ों से मिलके बनी हुई है। जैसे कोई भी मोनोमर यूनिट आएगी तो वो मिला के, जैसे हमारी प्रोटीन बन रही थी, अमीनो एसिड की रिपीटिंग यूनिट सी बन रही थी, है ना, अमीनो एसिड मिल के जुड़ जुड़ के हमारी क्या प्रोटीन बना रहे थे, है ना। मान लो एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ, ऐसे करके रिपीटिंग यूनिट मिल जाएंगी तो वो पॉली बना लेंगी। मोनो से क्या बनता है? पॉली बनता है। अब यहाँ पे वर्ड आया सैक्राइड। सैक्राइड जो वर्ड रिलेटेड होता है, किससे रिलेटेड होता है? सैक्राइड एक हमारी शुगर होती है, सिंथेटिक शुगर होती है, जिसको हम सैक्रीन बोलते हैं। बहुत स्वीट शुगर होती है ना, सिंथेटिक स्वीट शुगर होती है, सैक्रीन होती है। उसके नाम से हम रिलेट कर सकते हैं कि जो सैक्राइड होता है वो शुगर से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? शुगर से रिलेटेड है, है ना। शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड है, कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें क्या है, पॉलीसेक्राइड जो हुई, मतलब ये शुगर के बारे में हम पढ़ेंगे, इस किस टाइप की पॉलीसेक्राइड्स होती हैं, ठीक है। जो टेस्ट में देखते हैं, द एसिड इनसॉल्युबल पैलेट्स। जो एसिड इनसॉल्युबल पैलेट्स का मतलब क्या हुआ? जो एसिड में घुलते नहीं हैं, यानी एसिड इनसॉल्युबल होते हैं, यानी जो एसिड में ना घुल सके, वो क्या होते हैं? एसिड इनसॉल्युबल पैलेट होते हैं। पैलेट का मतलब छोटे छोटे टुकड़े टाइप, फ्रेगमेंट, छोटे छोटे ऐसे, छोटे छोटे फ्रेगमेंट होंगे तो उनको क्या बोलेंगे? पैलेट्स बोलेंगे, ठीक है। द एसिड इनसॉल्युबल पैलेट्स ऑल्सो हैज पॉलीसेक्राइड, है ना। एसिड इनसॉल्युबल पैलेट्स में जो होते हैं उनमें क्या होते हैं? पॉलीसेक्राइड होते हैं। पॉलीसेक्राइड यानी कार्बोहाइड्रेट होते हैं। क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट एज ए अनदर क्लास ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल। जो एसिड इनसॉल्युबल पैलेट्स होते हैं उसमें क्या होता है? पॉलीसेक्राइड्स होते हैं। पॉलीसेक्राइड क्या बताया यहाँ पे? कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं क्या होते हैं? अदर क्लास ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल होते हैं, है ना। माइक्रोमोलिक्यूल क्या होते हैं मैंने आपको बताया था, ठीक है। आगे देखते हैं, पॉलीसेक्राइड आर लॉन्ग चेन। जो पॉलीसेक्राइड होते हैं वो लॉन्ग चेन होते हैं ऑफ शुगर्स, क्योंकि पॉली का मतलब भी होता है कि एक यूनिट से ना मिले, मतलब उसमें बहुत सारी यूनिट आके जुड़े हैं, है ना। मोर देन वन यूनिट, तुम बोल देंगे मोर देन वन यूनिट, मोर देन वन यूनिट आके मिले तो बनाएगी पॉली। और सेक्राइड वर्ड हुआ शुगर से, यानी जो शुगर है, यानी बहुत सारी यूनिट मिलके क्या बनाएंगी? लॉन्ग चेन बनाएंगी और वो पॉलीसेक्राइड बन जाएगा, है ना। दे आर थ्रेड लाइक, है ना। इनके जो थ्रेड होते हैं वो कैसे होते हैं? जो थ्रेड होते हैं वो कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं हमको? दे थ्रेड लैटरली ए कॉटन थ्रेड, जैसे हमें कॉटन का थ्रेड होता है, यानी जो रुई होती है उसका थ्रेड जो होता है उसकी तरीके हमको दिखते हैं, ठीक है। कंटेनिंग डिफरेंट, इसमें क्या होता है? कंटेनिंग डिफरेंट मोनोसेक्राइड एज बिल्डिंग ब्लॉक, है ना। तो उसमें क्या होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मोनोसेक्राइड होते हैं जो कि बिल्डिंग ब्लॉक के तरीके हेल्प करते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब हुआ, यहाँ पे मोनोसेक्राइड मिलेंगे तो क्या बनेगा? पॉलीसेक्राइड बनेगा, है ना। जब रिपीटिंग यूनिट ऑफ मोनोसेक्राइड आएगी, मान लो एक ये ऐसे मोनोसेक्राइड की रिपीटिंग यूनिट आई तो ये क्या बना देगी? पॉलीसेक्राइड बना देगी। क्या बना देगी? पॉलीसेक्राइड बना देगी। इसीलिए इसको बोला कि ये बिल्डिंग ब्लॉक के तरीके हेल्प कर रहे हैं ना। आगे क्या है? फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल हमको दिया गया यहाँ पे सेलुलोज। सेलुलोज एग्जाम्पल दिया गया है, वो क्या है? सेलुलोज एग्जाम्पल है इज ए पॉलीमेरिक पॉलीसेक्राइड, है ना। सेलुलोज होता है पॉलीमेरिक पॉलीसेक्राइड, एग्जाम्पल हमको दिया गया है, याद रखेंगे। कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड, एग्जाम्पल ग्लूकोज, है ना। तो सेलुलोज होता है हमारा होमोपॉलीमर होता है, क्योंकि इसमें एक टाइप की सिर्फ पॉलीसेक्राइड होती हैं। पॉलीमेरिक ये पॉलीसेक्राइड है बट एक टाइप का, ओनली वन टाइप ऑफ द मोनोसेक्राइड से मिलके बनता है। कौन? सेलुलोज। वन टाइप ऑफ द मोनोसेक्राइड से मिलके बनता है, तो क्या है वो? होमोपॉलीमर है। सेलुलोज इज द होमोपॉलीमर। क्या है सेलुलोज? क्या है सेलुलोज? जो है होमोपॉलीमर है, याद रखेंगे। होमोपॉलीमर है हमसे क्वेश्चन में,
पूछ लेते हैं कि सेलुलोज इज द होमोपॉलीमर और हेटरोपॉलीमर, तो हम बोलेंगे सेलुलोज इज द होमोपॉलीमर बिकॉज दे फॉर्म थ्रू वन टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड, किससे बनता है ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज से बनता है, सेलुलोज इज द होमोपॉलीमर। जो मोनोसैकेराइड जो होते हैं क्या होता है, एग्जांपल मोनोसैकेराइड का हमको ग्लूकोज का दिया गया है जो वन टाइप ऑफ द मोनोमर से बनता है ग्लूकोज, और सेलुलोज जो है सेलुलोज क्या है हमारा होमोपॉलीमर होता है। आगे क्या है, आगे क्या है, स्टार्च इज ए वेरिएंट ऑफ दिस, स्टार्च भी इसी टाइप का वेरिएंट है, इसी तरीके का है, बट क्या है जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट एज द स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन प्लांट टिश्यू, है ना, जो स्टार्च होता है वो इसी तरीके का वेरिएंट है और वो प्रेजेंट होता है, एनर्जी स्टोर करता है कहाँ पे, प्लांट टिश्यू में, प्लांट टिश्यू में वो एनर्जी स्टोर करेगा, ठीक है। एनिमल, एनिमल में क्या एनर्जी स्टोर कर देगा, एनिमल में एनर्जी स्टोर करेगा ग्लाइकोजन, है ना, एनिमल में एनर्जी स्टोर करने के लिए क्या होगा, एनिमल हैव अनदर, एनिमल में अनदर होता है वेरिएंट ऑफ जिसको क्या बोलते हैं हम, ग्लाइकोजन बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन में ये पूछेगा कि प्लांट में एनर्जी स्टोर करता है, एनर्जी स्टोर हाउस क्या होता है प्लांट टिश्यू में, तो हम बोलेंगे स्टार्च। अगर हमसे पूछेगा एनिमल में एनर्जी स्टोर कौन करता है, तो इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन की एनर्जी स्टोर होती है, फैट के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है, है ना। आगे क्या है, इनुलिन इज ए पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज, जो इनुलिन होता है जिसको इनुलिन बोलते हैं, दहलिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में, दहलिया, दहलिया, इनुलिन इज द पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, यानी ये फ्रक्टोज का पॉलीमर होता है, जो दहलिया बनता है ये कहाँ से बनेगा, फ्रक्टोज से बनेगा, ठीक है। इनुलिन इज द, इनुलिन इज ए पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, समझ गए ना। आगे देखते हैं, इन ए पॉलीसेक्राइड चेन, अगर पॉलीसेक्राइड चेन की बात कर रहे हैं हम, पॉलीसेक्राइड में कौन से, किसकी बात करेंगे, तो स्पेशली हम यहाँ पे बोल रहे हैं ग्लाइकोजन के बारे में, है ना। ग्लाइकोजन क्या होता है, स्टोर फूड, फूड एनर्जी, एनर्जी इन एनिमल, यानी फूड एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर करेगा एनिमल में, ग्लाइकोजन होगा वो, ठीक है। द राइट एंड इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एंड एंड लेफ्ट एंड कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग एंड, है ना। अगर हम किसमें, किसी हम एक पॉलीसेक्राइड चेन में देखें, तो उसका जो राइट एंड होता है, पॉलीसेक्राइड चेन का जो राइट एंड होगा, यानी मान लो ये पॉलीसेक्राइड चेन है, ये पॉलीसेक्राइड चेन है, इसका ये जो राइट एंड हुआ, ये इसका लेफ्ट एंड हुआ ना, इस राइट एंड को क्या बोलेंगे हम, आर से होता है राइट होता है, आर से क्या होगा, रिड्यूसिंग हो जाएगा, आर से राइट, आर से रिड्यूसिंग एंड हो जाएगा, ठीक है। लेफ्ट यानी ये लेफ्ट एंड हुआ, ये क्या हुआ, लेफ्ट एंड हुआ, तो ये क्या हुआ, नॉन रिड्यूसिंग एंड। अगर हमको रिड्यूसिंग के बारे में पता चल गया, तो नॉन रिड्यूसिंग हम ऑटोमेटिक निकाल लेंगे, आर से रिड्यूसिंग, आर से राइट साइड, तो राइट साइड पॉलीसेक्राइड चेन में पाया जाएगा, तो वो क्या होगा, रिड्यूसिंग हो जाएगा, लेफ्ट साइड में पाया जाएगा, वो नॉन रिड्यूसिंग एंड कहलाएगा। आगे क्या है, वही हमको बताया गया है, इन पॉलीसेक्राइड चेन ग्लाइकोजन के बारे में स्पेशली बोला है यहाँ पे, द राइट एंड इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एंड लेफ्ट एंड कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग एंड, है ना। राइट क्या हुआ, राइट जो हुआ रिड्यूसिंग, और लेफ्ट क्या हुआ, नॉन रिड्यूसिंग एंड हुआ। इट हैज ब्रांचेज, इट हैज ब्रांचेज शोन इन फॉर्म ऑफ कार्टून, है ना, इसमें ब्रांच पाई जाती हैं, जो कि हमको कार्टून में दिखाई गई हैं, यानी फिगर में हमको दिखाई गई, मैं फिगर आपको बाद में दिखाता हूँ, 9.2 फिगर है एनसीईआरटी में, मैं दिखाऊंगा बाद में, ठीक है। इट हैज द ब्रांच चेन जो कि कार्टून में जैसा दिखाया गया है उस तरीके का। स्टार्च फॉर्म हेलिकल, जो स्टार्च फॉर्म हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जो स्टार्च बनाता है ना, वो हेलिकली सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना लेता है, सेकेंडरी हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना लेगा, है ना, हेलिकल स्ट्रक्चर बना लेगा, हेलिक लूप की तरीके स्ट्रक्चर बना लेगा, और उसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा, इनफैक्ट स्टार्च कैन होल्ड I2 मॉलिक्यूल इन हेलिकल पोर्शन, और हेलिकल पोर्शन में जो स्टार्च होता है वो I2 के मॉलिक्यूल यानी आयोडीन के मॉलिक्यूल को वो होल्ड करता है, है ना। इट स्टार्च होल्ड I2 मॉलिक्यूल इन हेलिकल स्ट्रक्चर, यानी जो हेलिकल बनाएगा उसमें I2 के मॉलिक्यूल को वो स्टोर कर लेगा, है ना, यानी होल्ड करके रखेगा, पकड़ के रखेगा, ठीक है। इनफैक्ट स्टार्च कैन होल्ड I2 मॉलिक्यूल इन हेलिकल पोर्शन, द स्टार्च I2 इज ब्लू इन कलर, ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस पैराग्राफ का, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से पूछ लेता है, जो स्टार्च I2 मॉलिक्यूल को अपने हेलिकल में होल्ड करता है, तो उसका कलर क्या होता है, तो हम बोलेंगे वो किस कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। I2 स्टार्च इज ब्लू इन कलर, यानी I2 स्टार्च जो होता है, आयोडीन स्टार्च जो होता है, वो ब्लू इन कलर का होता है। आगे देखते हैं, सेलुलोज
does not contain complex helical and hence cannot hold I2. तो सेलुलोज होता है वो हमारा हेलिकल कॉम्प्लेक्स हेलिकल नहीं बना पाता है, यानी हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं बना पाता है, इसीलिए वो क्या I2 मॉलिक्यूल को होल्ड नहीं कर पाता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये हमसे पूछ लेगा कि सेलुलोज I2 हेलिकल कॉम्प्लेक्स बना पाता है नहीं पाता है, तो हम बोलेंगे नहीं बना पाता है, इसलिए वो I2 मॉलिक्यूल को होल्ड नहीं कर पाता है, यानी हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को होल्ड नहीं कर पाएगा। आगे क्या होता है, प्लांट सेल वॉल आर मेड अप ऑफ सेलुलोज। जो प्लांट की सेल वॉल बनी होती है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, हम सभी को पता है ना, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पेक्टिन, है ना, तीन चीज़ों से मिलकर बनी होती है, कौन कौन से, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पेक्टिन। यहाँ पे हमको क्या बताया, प्लांट सेल मेड अप ऑफ सेलुलोज, जो प्लांट सेल बनी होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है, पेपर मेड फ्रॉम प्लांट पल्प, जो पेपर बनते हैं ना, पेपर जो बनता है, पेपर मेड फ्रॉम प्लांट पल्प एंड कॉटन फाइबर इज सेलुलोज। जो पेपर बनता है वो प्लांट के पल्प से बनता है, और कॉटन जो बनते हैं, कॉटन फाइबर जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, सेलुलोजिक होते हैं। कैसे होते हैं, सेलुलोजिक होते हैं, उसमें भी सेलुलोज पाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, पेपर मेड जो होते हैं प्लांट के पल्प से बनते हैं, सेलुलोज कॉटन फाइबर जो होते हैं वो भी सेलुलोजिक होते हैं। देयर आर मोर कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड इन नेचर, यहाँ पे नेचर में और भी बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप के पॉलीसेक्राइड पाए जाते हैं ना। देयर आर मोर कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड फाउंड इन नेचर, यानी नेचर में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स टाइप के पॉलीसेक्राइड पाए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, दे हैव बिल्डिंग ब्लॉक, है ना, जो कि बिल्डिंग ब्लॉक बनाते हैं, है ना, अमीनो सुगर बनाते हैं, एंड केमिकली मॉडिफाइड सुगर, और केमिकली मॉडिफाइड सुगर भी बनाते हैं। केमिकली मॉडिफाइड सुगर क्या होती है, इसमें हमको दो एग्जांपल दिया गया है, ग्लूकोसामीन, है ना, ग्लूकोसामीन और एन एस्टिल ग्लूकोसामीन इज द केमिकली मॉडिफाइड सुगर। ये हमसे पूछ सकते हैं कि ग्लूकोसामीन और एन एस्टिल ग्लूकोसामीन इज द विच टाइप ऑफ सुगर, तो हम बोलेंगे दीज आर केमिकली मॉडिफाइड सुगर। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, क्या है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, द एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड, जो आर्थ्रोपोड का एक्सोस्केलेटन बना होता है, आर्थ्रोपोड क्या होते हैं हमारे, इंसेक्ट, आर्थ्रोपोड क्या होते हैं हमारे, इंसेक्ट, यानी इसमें क्या आते हैं, इंसेक्ट आते हैं, ये इसमें क्या आते हैं, इंसेक्ट आते हैं, ये लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम होता है, क्या होता है, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, यानी फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम का पहला लार्जेस्ट फाइलम होता है, और सेकंड लार्जेस्ट फाइलम क्या होता है, मोलस्का होता है। ठीक है, ये हमको पता है, और ये एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन का मतलब हुआ, एक्सो का मतलब होता है बाहरी, एक्सो का मतलब क्या होता है, एक्सो का मतलब होता है बाहरी, बाहरी, और स्केलेटन का मतलब यहाँ से कंकाल, यानी बाहरी कंकाल जो बना होगा, बाहरी कंकाल जो बना होगा वो किसका बना होगा, आर्थ्रोपोड का, वो किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है, किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड फॉर एग्जांपल हैव ए कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड, एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड होता है, काइटिन क्या है, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड है, काइटिन क्या है, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड है, याद रखेंगे, काइटिन इज द कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड। बट किस टाइप की कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड है, होमोपॉलीसेक्राइड है या हेट्रोपॉलीसेक्राइड है, तो हम ये बोलेंगे ये जो है होमोपॉलीसेक्राइड है, कैसी है, होमोपॉलीसेक्राइड है ये काइटिन। ठीक है, दीज कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड आर मोस्टली होमोपॉलीमर, है ना, जितने भी कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड होते हैं ज़्यादातर वो कैसे होते हैं, होमोपॉलीमर होते हैं, यानी उसमें एक टाइप की यूनिट से मिलके बने हुए होंगे। ठीक है, इससे कभी कभी ये भी पूछता है कि काइटिन तो हमारा होता है, ये होमोपॉलीसेक्राइड है, यानी इसमें एक टाइप की मोनोमर यूनिट से मिलके बनेगा, है ना, और भी एग्जांपल क्या होते हैं, और भी एग्जांपल क्या हम होमोपॉलीसेक्राइड के दे सकते हैं, तो जी और भी एग्जांपल हैं, क्या हुआ, एक तो काइटिन हो गया, काइटिन हो गया, और क्या हुआ, सेलुलोज हो गया, सेलुलोज हो गया, और क्या हो गया हमारा, ग्लाइकोजन हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, ये कैसे हैं, ये सारे के सारे जो हैं होमोपॉलीसेक्राइड हैं, कैसे हैं, होमोपॉलीसेक्राइड के एग्जांपल हैं, यानी ये जो इनके मोनोमर यूनिट होंगी वो एक ही टाइप की मोनोमर यूनिट से मिलके बनेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी में जो फिगर दिया गया था किसका, ग्लाइकोजन का दिया गया था, है ना, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोर्शन ऑफ ग्लाइकोजन, है ना, तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, ये जो है राइट एंड है, ये एंड है, राइट एंड है, तो ये कैसा एंड है, राइट एंड है, और ये कैसा है, रिड्यूसिंग एंड है, याद रखेंगे, राइट एंड इज द रिड्यूसिंग एंड, है ना, राइट एंड रिड्यूसिंग एंड था, है ना, और लेफ्ट एंड कैसा था, ये नॉन रिड्यूसिंग था, कैसा था, नॉन रिड्यूसिंग था, यानी कैसा, लेफ्ट एंड जो था नॉन रिड्यूसिंग था। इसमें हमको
ये कार्टून ये फिगर जो दिखाया गया था ये किसका है, ग्लाइकोजन का दिखाया गया है स्पेशली। हमसे कभी कभी पूछते हैं कि पॉलीसेक्राइड में स्टार्च किस टाइप का, स्टार्च में कौन कौन से आते हैं, है ना, एमाइलेज क्या होता है, एमाइलोपेक्टिन क्या होता है। तो एमाइलेज जो होता है वाटर सॉल्यूबल होता है। कैसा होता है? वाटर सॉल्यूबल होता है एमाइलेज। और एमाइलोपेक्टिन जो होता है इसमें लिंकेज कौन सी पाई जाती है, इसमें लिंकेज कौन सी पाई जाती है, हम सभी जानते हैं कि अल्फा 1,4 लिंकेज पाई जाएगी किसमें, एमाइलोपेक्टिन में, जो हमारे सेलुलोज में लिंकेज पाई जाती है। सेलुलोज में जो लिंकेज पाई जाएगी वो कैसी पाई जाएगी, बीटा 1,4 लिंकेज पाई जाएगी। और जो एमाइलोज होगा, है ना, एमाइलोज होगा उसमें कैसी लिंकेज पाई जाएगी, अल्फा 1,4 लिंकेज पाई जाएगी। और जो एमाइलोपेक्टिन होगा उसमें अल्फा 1,4 और अल्फा 1,6 दोनों टाइप की लिंकेज पाई जाएगी, है ना। जो एमाइलोज होता है, एमाइलोज क्या होता है, वाटर सॉल्युबल होता है, ये लीनियर होता है, है ना। ये क्या है, टाइप ऑफ स्टार्च बना होता है हमारा, काइटिन जो बना होता है ये होमोपॉलीमर है। तो किस टाइप का होमोपॉलीमर है, किससे मिलके बनेगा, इसकी कौन कौन सी रिपीटिंग यूनिट होती हैं, तो ये होती है नाग एंड नाम, है ना, नाग और नाम से मिलके बनता है क्या हमारा काइटिन। यह नाग का फुल फॉर्म हुआ एन एस्टिल ग्लूकोसामिन, क्या हुआ, एन एस्टिल ग्लूकोसामिन, है ना, ये हुआ नाग का। और नाम का हुआ यन एस्टिल मुरामिक एसिड, क्या हुआ, नाम का फुल फॉर्म क्या हुआ, नाम यानी यन एस्टिल म्यूरामिक एसिड, है ना, ये म्यूरामिक एसिड से मिलके बनेगा, यानी नाग और नाम से मिलके हमारा काइटिन बनता है, जो कि होमोपॉलीमर है, सेलुलोज है, और क्या हमारा ग्लाइकोजन, ये होमोपॉलीमर के एग्जांपल हैं, होमोपॉलीसेक्राइड के एग्जांपल हैं। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, जिसमें हम न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ में। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, यू हैव अ नाइस डे।